मान लो हमारे देश में मोदी जी के साथ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देवे, तो दो प्रधानमंत्री एक साथ? नहीं, महाशिवरात्रि पर भांग नहीं पिए हैं, पर ये मजाक की बात नहीं है। हुआ है एक बार ऐसा उत्तर प्रदेश में, जब वहां दो दो मुख्यमंत्री बन गए। बड़ी रोचक कहानी है। पहले वोकलश्री चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर जानते हैं इस बारे में। ये साल 1998 फरवरी महीने की बात है, जब 11वीं लोकसभा भंग होने के बाद आम चुनाव का प्रचार जोरों पर था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह गोरखपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, और उस समय के भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे थे। असली खेला तो तब हुआ जब बसपा की उपाध्यक्ष मायावती किसान कामगार पार्टी, जनता दल और लोकतांत्रिक कांग्रेस के विधायकों के साथ राजभवन चली गई। इन सब ने मिलकर कल्याण सिंह सरकार के यातायात मंत्री और लोकतांत्रिक कांग्रेस के विधायक जगदम्बिका पाल को अपना नेता बनाकर राज्यपाल रोमेश भंडारी के सामने कर दिया कि हमारे पास बहुमत है, कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करें और जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाए। इसके थोड़ी देर बाद तत्कालीन सपा सुप्रीमो व भारत के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने जगदम्बिका पाल को समर्थन की चिट्ठी राजभवन भेज दी। जब ये सारी खबरें गोरखपुर में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पास पहुंची तो उनकी सांसें चढ़ गई। वे अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके भागे भागे आए लखनऊ राजभवन में और राज्यपाल से बहुमत सिद्ध करने का समय मांगा। पर राज्यपाल रोमेश भंडारी तो खुद कल्याण सिंह को हटाने में थे। उन्होंने उसी दिन 21 फरवरी की रात 10 बजे कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री वे चार अन्य विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला दी। नई नवेली सरकार की इस पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की हड़बड़ी ऐसी थी कि शपथ ग्रहण के बाद रस्मी तौर पर होने वाले राष्ट्रगान तक को भूल गए। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जो केंद्रीय राजनीति को निर्धारित करता है, उसमें ऐसे उलटफेर ने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। अब अगले दिन क्या हुआ होगा? 22 फरवरी 1998, इधर अटल बिहारी वाजपेयी राज्यपाल रोमेश भंडारी के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और राष्ट्रपति महोदय के आर नारायणन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को पत्र लिखकर इस बाबत असंतोष जताते हैं। वे और कर ही क्या सकते थे। अब मजे की बात तो लखनऊ सचिवालय में है। सुबह सुबह सचिवालय में मुख्यमंत्री कक्ष में जगदम्बिका पाल जाकर जम गए। वहीं बर्खास्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी पहुंच जाते हैं, पर तब संवैधानिक मुख्यमंत्री तो जगदम्बिका पाल ही थे। पर कोई सचिवालय का कर्मचारी उन्हें मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं था, और ना ही कल्याण सिंह खेमा। 23 फरवरी इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगदम्बिका पाल की सरकार को अवैध करार देकर कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया। क्या लगता है, खत्म हो गया मामला? रुको, जरा सबर करो। अब एक्शन लेने की बारी जगदम्बिका पाल कैंप की थी। ये हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन इसी दरमियान उनकी पार्टी के कुछ विधायक आयाराम हो जाते हैं, और अब कल्याण सिंह का दावा मजबूत था। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अजीब स्थिति थी। एक तरफ संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल का फैसला, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि अगले 48 घंटे के भीतर विधानसभा में कैमरे की निगरानी में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होगा, जो जीतेगा वही सिकंदर। लेकिन तब तक दोनों को मुख्यमंत्री माना जाए, परंतु दोनों मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। 26 फरवरी को देश विदेश की मीडिया व कैमरे की निगरानी में वोटिंग हुई। विधानसभा अध्यक्ष के दोनों तरफ दो कुर्सियां लगाई गई। नरेश अग्रवाल के पाला बदलने से कल्याण सिंह ने बाजी मार ली थी। कल्याण सिंह के पक्ष में 225 विधायकों ने तथा जगदम्बिका पाल के पक्ष में 196 विधायकों ने वोट किया। इन नेताओं की एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। 1998 में बीजेपी की सरकार गिराने वाले जगदम्बिका पाल वर्तमान में यूपी की डोमरियागंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।